इमरजेंसी सिचुएशन, ये धक्का मुक्की, ये बहुत दुख की बात है। ये सब काउंसलर्स के साथ किया जा रहा है, बहुत शर्म की बात। मैम आपने देखा इस समय, हम महिला पार्षदों के साथ भी किस तरह से धक्का मुक्की इन लोगों ने की है। क्यों? हम तो शहर के लोगों के द्वारा चुने हुए पार्षद हैं और आज शहर का मेयर चुनने आए थे, लेकिन इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि इनको इनकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। शब्द षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमें भी पता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर के पास पावर है, वो दूसरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर इमीडिएटली लगा सकते हैं। और अगर कोई पोस्टपोन या डिले है तो हमें क्यों नहीं बताया जा रहा, हमें क्यों नहीं बताया गया? और इसको बताने का एक ढंग होता है, आप एक नोटिफिकेशन, अगर ये ऑर्डर्स कुछ होते तो कोई एक स्टाफ वहाँ खड़ा होता कि हाँ जी काउंसलर साहिबा, आप जो आ रहे हैं ये जो ऑर्डर्स हैं, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, कृपया आज का इलेक्शन ऐसे ऐसे हो गया। वो करने की जगह हमें धक्के मारे जा रहे हैं कि हमारे पास मैसेज है और हमें कोई मैसेज नहीं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इलेक्शन हमारा, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। बहुत शर्म की बात है। बीजेपी के पार्षद सब अभी अंदर बैठे हैं, वही तो हम कह रहे हैं, उनको उनको हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको जाने दिया जा रहा है। आप सामने देख लीजिए, पूरी तरह से षड्यंत्र ही है। भाजपा को अपनी चाल दिख रही है, अपनी हार दिख रही है, हार दिख रही है। ये गठबंधन उनको पच नहीं रहा।